वेलकम टू एक्सट्रीम गेमिंग गाइस, आज हम बात करेंगे बेस्ट लोडआउट और बेस्ट एफओवी सेटिंग्स सीजन 3 के। शुरुआत करते हैं एफओवी सेटिंग्स के। जैसा कि आप देख सकते हैं लो एफओवी सेटिंग्स हैं अभी गेम में, और मैं इस एफओवी सेटिंग्स को जब बढ़ाता हूँ तो ये क्या एकदम मेरा व्यू मेरे को ज़्यादा दिखने लगता है। अभी जैसा कि मैं अगर इसको लो करूँगा तो आप देख सकते हो कैसा हो गया। ये कंपैरिजन वीडियो में आप देख सकते हो, सेम पिक्चर में मैं एफओवी सेटिंग्स बढ़ा के कितना ज़्यादा देख सकता हूँ। तो दोस्तों जाइए अपनी सेटिंग्स में और बढ़ा दीजिए अपनी एफओवी सेटिंग्स को। अब हम आते हैं बेस्ट अटैचमेंट्स और बेस्ट पर्क्स पे, जो कि मेरा लोडआउट है। स्टार्ट करते हैं मैनोवार से। मैनोवार एक बहुत ही बढ़िया गन है, असॉल्ट वेपन है, AK-47 की तरह चलती है। इसको मैं एक्सटेंडेड मैग 4 क्रिप और क्विक ड्रॉ के साथ यूज़ करता हूँ। पर्क्स जैसा कि आप फोटो में राइट साइड में देख सकते हैं, इन पर्क्स का यूज़ कीजिए, लाइट वेट का यूज़ कीजिए। हैवी गन है, आपको मैप में मूव करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मूव करते हैं दूसरी गन पे, AKS-74U। ये ऑल फॉर्मेट वेपन है, इस गन को आप किसी भी मोड में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कीजिए साइट के साथ, रेड डॉट, क्विक ड्रॉ, 4 ग्रिप और स्टॉक के साथ, और कलर यूज़ कीजिए, और आप देखिए किस बेहतरीन तरीके से आप एनिमीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कलर और स्टॉक का यूज़ करने से आप एम करते समय लेफ्ट राइट बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, और एनिमी आपको ट्रैक करके मार भी नहीं पाएगा। और अपना हार्डनेस और डेड साइलेंस तो कॉमन रखिए सारे लोडआउट्स में। ये देखिए एनिमी ऊपर से नीचे कूद रहा है, उसके बाद में इतनी ईजिली AKS से मैंने एनिमीज को मार डाला। ये एक और एनिमी पीछे से आता हुआ, टाइप 25 पे मूव करते हैं दोस्तों। तो टाइप 25 में आप यूज़ कीजिए रेड डॉट, 4 क्रिप, क्विक ड्रॉ, एक्सटेंडेड मैग, पर्क्स में लाइट वेट यूज़ कीजिए। ये गन सीजन 3 के आने के बाद से बहुत ही डेंजरस वेपन हो गया। लोग कह रहे हैं नर्फ हो गया, बट मैं कह रहा हूँ ये बफ हो गया। लेज़र गन की तरह काम करती है ये गन। ये देखिए क्या बैक टू बैक किल्स। मूव करते हैं AK-47 पे। ये अभी सीजन 3 का सबसे नया OP वेपन है। अटैचमेंट्स और पर्क आप लोग देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये अच्छा है या आपको कोई इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं इसको स्टॉक के साथ इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं स्कोप करके रखता हूँ, और जब एनिमी को मारता हूँ तो मुझे लेफ्ट और राइट मूव करने में स्टॉक से बहुत हेल्प मिलती है, और लाइट वेट से मैं मैप में इजीली मूव करता हूँ। लास्ट MSMC में आप आयरन साइट भी रख सकते हैं, रेड डॉट भी रख सकते हैं। यूज़ कीजिए इसे लाइट वेट के साथ ताकि और ज़्यादा आपको स्पीड मिले मैप में रन करने के लिए। चूँकि इसका अब मैग साइज़ कम हो गया है तो एक्सटेंडेड मैग का यूज़ करना मैंडेटरी है। 33 बुलेट्स रह गए हैं अब इसमें। तो ये था मेरा बेस्ट लोडआउट, बेस्ट अटैचमेंट और बेस्ट पर्क्स का। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।